नमस्कार, बात उन बोल में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ मौजूद है राजस्थान के रणजी प्लेयर अर्जित गुप्ता, और आज वो अपनी बॉलिंग की स्पेशलिटी बताने वाले हैं। एक ऑफ स्पिनर को किस तरह से बॉल डालनी चाहिए, किस तरह से ग्रिप पकड़नी चाहिए, वो अर्जित भैया आज बताएंगे। अर्जित भैया, थोड़ी सी टिप्स। मैं एक कॉमन सी बात करूंगा बॉलिंग में, जैसे वाइड बॉल की बात करें तो अपन ऑफ स्पिनर जनरली ऐसे बॉल पकड़ते हैं, ठीक है, और जनरली अपना फोकस रहता है कि बॉल सीम से ट्रैवल करे, सीम से आए बॉल। और लेंथ बहुत मैटर करती है बॉलिंग में, कि अगर आप शॉर्टर फॉर्मेट खेल रहे हो तो लेंथ थोड़ी सी पीछे हो जाती है, और आप अगर डेज मैच खेल रहे हो तो लेंथ आगे हो जाती है। डेज मैच के लिए अगर लाल गेंद ले, तो लाल गेंद लो डेज मैच में तो जनरली रहता है, एक तरफ से पूरा शाइनिंग एरिया रहता है बॉल का, और एक तरफ से रफ एरिया रहता है। तो अगर आप शाइनिंग एरिया बाहर रख के अगर बॉल डालते हो तो बॉल जनरली अंदर को ड्रिफ्ट करता है, और अगर आप शाइनिंग एरिया अंदर पकड़ के बॉल डालते हो तो जनरली बॉल बाहर को। वो ज्यादा बोलते हैं कि टप्पे पे बॉल ज्यादा रखनी चाहिए, वो क्या है उसका राज क्या है कि टप्पे पे ज्यादा बॉल रहेगी तो वो ज्यादा हेल्पफुल रहेगा? टप्पे पे ऐसा रहता है जनरली, जो एक टप्पा होता है उसको एक तरीके से बोलते हैं कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी, कि वो एरिया बैट्समैन के लिए डिफिकल्ट होता है, उसको उसको 90% उसको डिफेंस ही करना पड़ता है उसको। तो टप्पा इसलिए बोलते हैं क्रिकेट में कि टप्पे फेंकोगे तो ज्यादा बोले डिफेंस होगी, आगे फेंकोगे तो मार पड़ेगी, पीछे फेंकोगे तो मार पड़ेगी। और एंगल जो होता है कि कई बोलते हैं जो जैसे मीडियम पेसर्स के लिए होता है कि बॉल जो हाथ है आपका कान के पास रहना चाहिए तो स्ट्रेट होगा, वो स्पिनर्स के लिए कैसे? स्पिनर्स के लिए जनरली क्या होता है कि आजकल आप देख रहे होंगे केदार यादव की वीडियो, केदार यादव मैच में ऐसे साइड से बॉल डालते हैं, गोल्डन आर्म साइड से, वो जनरली आजकल ट्रेंड बन गया है डोमेस्टिक क्रिकेट में। आप देखोगे मनोज तिवारी भी ऐसे फेंकने लग गए हैं, वो इसलिए रहता है कि जब आप साइड से बॉल डालो तो बॉल बाउंस कम करती है, बॉल नीचे चलती नीचे रहती है। और ये सबसे ज्यादा कॉमन हो गया वाइट बॉल में कि लोग साइड से झुक के से फेंकते हैं ताकि बॉल नीचे नीचे उठे ना। तो आपका क्या एंगल है जो आप मतलब बड़ी क्रिकेटर्स को बता सके कि ये ज्यादा हेल्पफुल रहेगा? अगर नॉर्मल अगर अपन रेड बॉल की बात करें तो नॉर्मल एंगल यही रहता है कि लोग जनरली बोलते हैं कि आप उस बॉल को स्लो छोड़ो, बॉल को नॉर्मल, जैसे जो भी जिसका एक्शन है सबका अपना एक्शन होता है, तो अपने एक्शन से बॉल डाले, कोई भी इम्प्रोवाइजेशन करने की जरूरत नहीं, बस आपका जो एरिया है वो मैटर करता है, एरिया मैटर करता है। और बल्लेबाज की जो कमियां वो पकड़ ले तो, और वीकनेस, और सेकंडली जो बैट्समैन की वीकनेस है वो आपको पता होना चाहिए, कौन बैट्समैन बैक फुट पे स्ट्रांग है, कौन फ्रंट फुट पे स्ट्रांग है, कौन स्टेप आउट होकर खेल रहा है, कौन स्वीप मार रहा है। तो ये चीजें आपको मतलब एक दो बॉल डालते ही आपको आइडिया हो जाना चाहिए कौन बैट्समैन कैसे खेल रहा है। तो जो विकेट कीपर है उसकी भी कुछ टिप्स आती है जनरली? धोनी है वो, धोनी जैसे उस लेवल की बात करें तो धोनी को तो बहुत एक्सपीरियंस है, वो जैसे बैट्समैन बैटिंग कर रहा है तो थोड़ी देर देख के बता देता है कि अब इसके दिमाग में क्या चल रहा है, स्टेप आउट होने वाला है कि स्वीप मारने वाला है कि डिफेंस करने वाला है कि शॉट मारने वाला है, तो बॉलर को गाइड करता है, उससे बहुत हेल्प होती है। चलिए, थैंक यू आपका बहुत बहुत हमें टाइम देने के लिए। तो बड़ी क्रिकेटर्स के लिए बहुत अहम बात बता दी, ऑफ स्पिनर जो बनना चाहते हैं वो इस वीडियो को जरूर देखें, और ग्रिप कैसे पकड़ते हैं वो सबसे अहम होती है। हाथ वाथ तो कोई कोच सही करा देते थे लेकिन जो ग्रिप होती है ना वो कोई सही नहीं कर पाता। और ऐसे ट्यूटोरियल्स के जानने के लिए आप बात इन बॉल जरूर देखें, उसको सब्सक्राइब जरूर करें अभी तक नहीं कराए तो। वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, और राजस्थान की जनता को सबसे ज्यादा बताएं क्योंकि उनको जरूरत है। थैंक यू।